दोस्तों बंगाल में एक सड़क है जिसका नाम राधानाथ सिकदर जी के नाम पर रखा गया है। आप में से बहुत कम लोगों ने इनका नाम शायद कभी सुना होगा, पर आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या दिलचस्प कनेक्शन है, आइए जानते हैं। राधानाथ सिकदर का जन्म साल 1813 में गरीब परिवार में बंगाल के अंदर हुआ। शुरू से पढ़ाई में काफी अच्छे थे, तो स्कॉलरशिप के बलबूते पर इनका एडमिशन हिंदू कॉलेज में हो गया। धीरे धीरे इन्होंने मैथमेटिक्स में अपना ज्ञान प्राप्त किया और एक बेहतरीन मैथमेटिशियन बन गए। जॉर्ज एवरेस्ट जो उस वक्त ब्रिटिश अफसर और एक सर्वेयर थे, उन्होंने इन्हें काम दिया और धीरे धीरे सुपरिटेंडेंट बन गए मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जहां पे इन्हें काम सौंपा गया कि आपको पीक 15 की हाइट का पता लगाना है। 4 साल की कड़ी मेहनत, खूब सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स का यूज करके इस पहाड़ की हाइट का पता लगाया गया, जो पता लगा 29,000 फीट, और अब यह दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। साल 1856 में इस पहाड़ का नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रख दिया गया, जिन्होंने इस पहाड़ को कभी देखा तक नहीं था, और धीरे धीरे राधानाथ सिकदर का नाम इतिहास से विलुप्त होता चला गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इनके बारे में पता लग सके।